दर्शक बंधु गरुड़ पुराण सनातन धर्मर मुख्य ग्रंथ मध्यरु अन्यतम अटे जहाँकि अठर महापुराण मध्यरु एक साधारणतः लोकलोचन मतरे कौनसी व्यक्तिर मृत्यु पर गरुड़ पुराण पढ़ा जाए किंतु यह असत्य अटे। गरुड़ पुराण रे षोहल अध्याय पाप पुण्य जीवन मरण नर्क एवं पुनर्जन्म विषय लिखा होती। यह छड़ा आत्मार रहस्य विषय लिखा होती। तत्सहित ज्ञान नीति धर्म समुद्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र इत्यादि विषय पढ़ाक पाइबे। यह पुराण रु पढ़ी जी काम लगाए सदा सर्वदा ता जीवन शांति रही था। तेणु यह पुराण लिखा होता कथा समस्ते निहाती जानिबा उचित। गरुड़ पुराण रे लिखा होछि कि स्त्री निज भल कर्म भल गुण मध्यम स्वामी प्रति थिबा सच्चा निष्ठा भल पाइबा जोगु तार स्वामीर आयु दीर्घायु होइतै। किंतु दर्शक बंधु स्त्री एमती कौन भूल काम करे जेउति पय तार स्वामीर आयु कम होइ जाय ताहा मु आज आपण मानकु टिकनिक करि जणाइबि। तेणु भिडियोटि शेष पर्यंत देखंतु। यदि भिडियोटि भल लागत लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु स्त्री एमती कौन करे स्त्री थाउ थाउ स्वामीर मृत्यु शीघ्र होइचे। शास्त्र मतरे स्वामी स्त्री गोटे मुद्रार दुई पार्श्व परी एवं शास्त्र कहुछि जे कौनसी धार्मिक कार्य रे स्वामी स्त्री मिलीमिशी पूजा संपादन नकले पूजा सिद्धि हुए नै। सेतिपई स्वामी स्त्री दुहे दुहिंकर पई परिपूरक अटंती। शास्त्र मत अनुजाई स्वामीर दीर्घायु पई विभिन्न व्रत स्त्री करिथे किंतु एतिरे निज स्वामी प्रति भक्ति भाव रहिबा उचित। जदि सेही व्रत संपूर्ण न हुए ता स्वामी अल्प वयसर मृत्यु हो जाइथे। जदि स्त्री स्वामी पई जे कोनसी व्रत करिथे ताहले संपूर्ण नियम अनुजाई भोजन करिबा उचित नहले व्रत पूरा हेबो नै। व्रत पूरा न होबा पर्यंत भोजन बारण करा जायछि। आजिर आधुनिक समाज रे स्त्री माने विभिन्न पूजा पद्धति ठीक से पालन करुनांती फल स्वरूप सेमानंक स्वामीर अघटन होइ जाउछि। अन्य एक मृत्युर कारण होउछि निज स्वामी सहित झगड़ा करबा कथा कथा रे राण पकेबा स्वामीर बिना अनुमति रे काम करबा स्वामी को मिच्छ कहबा द्वारा स्वामीर आयु धीरे धीरे कमी जाए। तेणु सर्वप्रथमे महान व्रत सावित्री व्रत उपरे आलोचना करिबा। सावित्री व्रत हिंदू धर्मर सबुठारु महान व्रत अटे। भगवान जम मध्य एही व्रत को सम्मान जणंती जहाकि आपण माने बहुत सावित्री व्रत विषय शुणिथिबे। सावित्री नियम अनुसार पालन कले निज स्वामीर आयु वृद्धि हुए। सावित्री व्रत माता सीता भी यह व्रत पालन करते। श्री रामचंद्र को जितेबाला राज्यभिषेक होता राज्यभिषेक पूर्व सरोजी नदी कूल सूर्य जल अर्पण करी संध्या रे सूर्य अस्त पूर्व से व्रत संपादन करी रामचंद्र को दीर्घायु कामना करते। तेणु अन्य एक व्रत होची हर तालिका व्रत। यह व्रत माँ पार्वती प्रथम आरंभ करते। भगवान शिवंक शुभ मनासी यह व्रत सच्चा मन में माँ पार्वती पालन करते। व्रत जे पालन करथाए कहुए से स्त्री राति उजागर रही आखिपता जमी न पड़े से प्रति ध्यान देवा उचित नहले स्वामी अकाल मृत्यु होबार संभावना अच्छी। दर्शक बंधु एमती अनेक व्रत अच्छे स्वामी दीर्घायु सदवा स्त्री लोक मैंने व्रत पालन करती। तेणु दर्शक बंधु शास्त्र अनुसार विवाह समय रे स्त्री नेथिबा शपथ पूर्ण मनरे साकार करिबा द्वारा स्वामीर दीर्घायु लंबी रही थाए। यह छड़ा शाशु शशुर पिला छुआ मानकर देखाशुणा घर को आसीथिबा अतिथि सेवा करिबा द्वारा स्त्रीर पतिव्रता नारी रूपे संपूर्ण होइथाए। यह छड़ा स्त्री प्रातः सकाळे स्नान करी स्वामी एवं शाशु शशुरंक पाद छुई आशीर्वाद नै तुलसी चौरा पानी पीले स्वामीर विभिन्न संकट रु रक्षा पाई बा सहित एवं घर संसार सुरखुरी चले। या छड़ा स्वामी को ठीक समय रे भोजन देवा स्वामीर गोड़ घसी देवा स्वामी को कटु शब्द प्रयोग न करबा इत्यादि दिगरे ध्यान देवा उचित। ताहले स्वामी दीर्घायु हेब एवं स्वामीर कौनसी आकस्मिक दुर्घटना घटिबो नाही।
दर्शक बंधु आपण मैंने देखि भगवान विष्णु को सेवा तथा गोड़ खसुवे माता लक्ष्मी विभिन्न टीवी टेलीविजन विभिन्न सीरियल माध्यम आपण मैंने देखि तेणु यह कौन से काल्पनिक नुह यह संपूर्ण सत्य अटे। तेणु परिशेष आम कहूँ स्वामी को स्वामी सच्चा हृदय जो नारी सेवा कर स्वामी दीर्घायु होताए एवं तार घर संसार सुरखुरी चले। तेणु भिडियो जदि भल लगुच्छे तेज लाइक करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ जदि त्रुटि थाए क्षमा करेंगे और कमेंट मध्यम त्रुटिटा को आपण मानक जनवाक अनुरोध।